अच्छा यहाँ पे एक चीज़ और बता दूँ कि इधर देखें, ये जो ये वाली साइड है ना, ये लंबाई वाली साइड जो शॉल की है, यहाँ पे सारा फैब्रिक अंदर फोल्ड नहीं करवाया है। अच्छा ये है जिसका सेम फैब्रिक है, मरीना फैब्रिक में ही इसका ट्राउज़र है, ये देखें। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। तो जी आज की वीडियो में मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ ये खूबसूरत सा ड्रेस, और ये है गुल अहमद विंटर कलेक्शन और विंटर लग्जरी कलेक्शन। और ये थी जी उनकी मरीना मरीना फैब्रिक की जो कलेक्शन आई है ना लेटेस्ट, ये उसमें से ही लिया हुआ एक ड्रेस है। बहुत ही खूबसूरत सा कलर, बहुत प्यारा है, विंटर में बहुत अच्छे लगते हैं इस तरह के ड्रेसेस। और ये है डार्क ग्रे कलर का जिसपे एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है कुछ इस तरह से, ये देखें इस तरह से हुई भी है। और ये देखें ये, ठीक है क्लोज कर देती हूँ, आप ये देख लें, ये देखें। और गुल अहमद के ये जो कलेक्शन थी ना, इसकी प्राइस है जी 13 to 14,000, ठीक है ये देखें, क्योंकि इसके साथ हैवी शॉल है और मरीना फैब्रिक है ये देखें। सुपर लग्जरी ड्रेस है जी गुल अहमद का। और अब आ जाते हैं, देखते हैं किसको किस तरह से बनाया है। अच्छा सबसे पहले तो ये देखें, नेकलाइन ऑलरेडी जो है ना वो एम्ब्रॉयडर्ड है ऐसे, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे ये फैब्रिक से फिनिशिंग करने के बाद हमने लगा दिया है जी ये बटन्स, ये लग गए। बटन लगाने के बाद अब आ जाते हैं इसकी डिटेलिंग की तरफ। अच्छा ये देखें, ऑल ओवर पूरी शर्ट पे इस तरह से एम्ब्रॉयडरी, और यहाँ पे हैवी दामन जो है ना घेरे पे ना हैवी काम है ऐसे। अच्छा अब आ जाते हैं इसकी चीज़ों की तरफ, डिटेलिंग की तरफ, के क्या किया है। अच्छा इस पे कुछ इस तरह से काम किया है कि ये देखें देखें यहाँ पे ट्राइंगल बने हुए हैं बड़े खूबसूरत से, और ये हमने बनाए हैं दो कलर में, जैसे कि रस्ट और ये है जी टी पिंक। और ये कलर हमने इस एम्ब्रॉयडरी से ही पिक किया है, ये आप देख रहे होंगे रस्ट और टी पिंक कलर नज़र आ रहा है। तो दो कलर ये पिंक करके नहीं, पिक करके हमने जी बनाया है यहाँ पे ट्राइंगल कुछ इस तरह से, ये देखें ये देखें, ठीक है। ये बहुत अच्छे लग रहे हैं, इसके साथ ये हो गए ऐसे स्लीव्स पे बन गए। और जी दामन पे भी यही डिटेलिंग हुई है ऐसे। वैसे ये जो एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है ना, इसको कहते हैं आर का काम, ये जो जिसको कहते हैं, ये देखें ये जो हुई हुई है। अच्छा जी अब ये देख लें आप, यहाँ पे भी हमने बना दिए हैं सेम स्लीव्स की तरह ट्राइंगल, ठीक है, रस्ट और टी पिंक कलर के, ये देखें ये, ठीक है ये बन गए। और यहाँ पे अच्छा यहाँ पे भी ये बॉर्डर ही आप देख रहे होंगे, ये आपको नजर आ रहा है अटैच हुआ हुआ, यहाँ बॉर्डर अटैच हुआ हुआ है लास्ट में, और फिर यहाँ पे ट्रायंगल बन गए। और फिनिशिंग की बात करें तो ये है जी इसकी फिनिशिंग, क्योंकि रस्ट कलर का ही फैब्रिक हमने लगाया है जी यहाँ पूरी शर्ट पे फिनिशिंग में, ठीक है। तो ये हो गया। और इसकी बैक साइड की अगर बात करूँ तो बैक साइड भी इसकी एम्ब्रॉयडर्ड है इस तरह से, फुली हैवी एम्ब्रॉयडर्ड नहीं है, दामन के लिए बॉर्डर था जो कि अटैच हो गया है। और शर्ट की अगर बैक साइड की बात करूं तो यहाँ पे कुछ इस तरह से ये मिल रही है जी, ये थ्रेड के यहाँ पे कुछ स्प्रे है, बूटियाँ तो नहीं है, ये डॉट टाइप के जो है ना वो स्प्रे हैं इस तरह से एम्ब्रॉयडरी के, ये देखें ऐसे, ठीक है। और ये देखें फैब्रिक का भी आपको टेक्सचर पता चल जाएगा, ये देखें मरीना फैब्रिक है। अच्छा जी अब आ जाते हैं इसकी ट्राउज़र की तरफ, और इसकी शॉल दिखाती हूँ मैं आपको। अच्छा ये है जी इसका सेम फैब्रिक है, मरीना फैब्रिक में ही इसका ट्राउज़र है, ये देखें। इसी फैब्रिक की वजह से जो है ना वो ये ड्रेसेस जो है थोड़े एक्सपेंसिव भी होते हैं। और प्लेन है, और यहाँ पे हमने वही फिनिशिंग की है जो कि स्लीव्स पे और दामन पे की है, ठीक है। और अब देख लेते हैं कि इसके साथ शॉल कैसी है। ये है जी शॉल, अच्छा शॉल काफ़ी हैवी है इसकी, उसी स्टफ में है, और फिर प्लस उसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी भी हुई हुई है, तो काफ़ी हैवी शॉल है जी ये। इस पे है जी इस तरह से,
अच्छा, पूरी शॉल पे एम्ब्रॉयडरी है कुछ ऐसे, ये फैब्रिक मरीना ही है शॉल का भी, और इस पे एम्ब्रॉयडरी है पूरी इस तरह से स्प्रे, और फोर साइड पे, फोर साइड पे नहीं, इस और इसकी माथा पट्टी वाले साइड पे बॉर्डर मिल रहा है ऐसे, ये ठीक है, ये देखें, ये इस तरह से एम्ब्रॉयडरी मिल रही है जी शॉल पे। और शॉल पे क्योंकि पल्लुओं के साइड पर एम्ब्रॉयडरी नहीं है, तो मैंने ये किया है कि देखें, ये हैवी है कि एक हाथ से मुझसे उठाई नहीं जा रही है। अच्छा, फोर साइड पे तो हो गई जी पहले फिनिशिंग, सेम रस्ट कलर के फैब्रिक से फिनिशिंग हो गई है शॉल पे, और फिर हमने पल्लुओं पे किया है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और बता दूँ कि इधर देखें, ये जो ये वाली साइड है ना, ये लंबाई वाली साइड जो शॉल की है, यहाँ पे सारा फैब्रिक अंदर फोल्ड नहीं करवाया है, ये देखें, ये आप देख रहे होंगे, ये पाइपिंग की तरह नज़र आ रहा है, जो कि बहुत अच्छा लग रहा है, ये देखें, ठीक है, ये कम्प्लीटली इनसाइड पे जो है वो फोल्ड नहीं हुआ हुआ ऐसे यहाँ पे, ये। अच्छा जी, अब आ जाएं इसके पल्लू की तरफ। अच्छा, पल्लू पे क्योंकि एम्ब्रॉयडरी नहीं है, तो पल्लुओं पे हमने सेम वही फिनिशिंग करवाई है जो कि स्लीव्स पे, दामन पे हुई हुई है, यानी ट्रायंगल बन, ठीक है, यहाँ पे एम्ब्रॉयडरी आ गई और यहाँ पे हमने ये फिनिशिंग करवा ली है, ठीक है जी। तो ये बहुत ही खूबसूरत सा ड्रेस जो है ना, वो रेडी हो गया है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट किसी अच्छे से ड्रेस के साथ। रखिए अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।